हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका टेक गुरु। तो आज हम बातें करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, हम पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जिनको कोई पता नहीं होता है और वो कुछ भी बोलते हैं। मुझे भी पहले ऐसे ही डर रहा था कि वहाँ पर जाने के बाद क्या क्या होता है। अभी ये मैं ये वीडियो में नहीं बता सकता हूँ वो लोग क्या क्या मुझको बताया था, मगर कुछ भी रीजंस बताते हैं आपको डरा देते हैं। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। जब भी आप विजिटिंग पे अगर आप यहाँ पे आते हो तो कोई मेडिकल नहीं होता है, ये आपके ध्यान में रख लो। अगर आप यहाँ पे काम करने के रीजन से अगर आते हो, मतलब जॉब वीज़ा, रेसिडेंस वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर अगर आप यहाँ पे आते हो तो ही आपको मेडिकल देने की आवश्यकता होती है। अगर मेडिकल में आपके फिट रिपोर्ट आता है तो ही आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर आपके मेडिकल में फिट नहीं आया, अनफिट आ गया, तो आपको कंपनी रिटर्न का टिकट निकाल के वापस भेज देती है। ठीक है, तो ये लोग जब भी आप यहाँ पे आते हो तो फर्स्ट 10 डेज में ही आपका मेडिकल हो जाता है। ओके, क्योंकि वो वीज़ा लगाने के लिए, यहाँ का जो वीज़ा होता है वो आपके पासपोर्ट पर लगने के लिए वो अनिवार्य प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट होती है और वहाँ पे आपका टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट में क्या क्या किया जाता है दोस्तों? तो ये टेस्ट में आपका पूरा बॉडी चेकअप किया जाता है, मतलब एक्सरे भी निकाला जाता है उसमें दोस्तों, फिर आपका ब्लड चेकअप भी लिया जाता है और बस एक इंजेक्शन भी होता है, वो इंजेक्शन लगा देते हैं। वो इंजेक्शन सबको नहीं होता है, वो पता नहीं वो लोग क्या देखते हैं उसमें, मगर कोई अगर मैंने देखा है कि कोई बंदा अगर फिलीपींस से हो, नाइजीरिया से, अफ्रीका से हो तो वो लोग इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, श्रीलंकन को नहीं है ज़रूरत, पाकिस्तानी और इंडियन को भी नहीं लगाते, देखा नहीं है मैंने, मगर उसका रीज़न पता नहीं है। वो एक इंजेक्शन होता है उनके पास, शायद वो एंटीबायोटिक कुछ तो इंजेक्शन होगा वो लगाते हैं। ठीक है, मुझे तो नहीं लगाया था। और वो जो मेडिकल टेस्ट होता है दोस्तों, हर 2 साल में होता है, 2 साल में आपको करना ही है, मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। सही है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप जब फिनिश करते हो तो नया 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले आपको ये मेडिकल टेस्ट करनी ज़रूरी होती है। मेडिकल टेस्ट में सिर्फ 2 बातें की जाती है दोस्तों, एक है आपका ब्लड चेकअप किया जाता है और दूसरी है आपका एक्सरे निकाला जाता है दोस्तों। और आपको अगर आपके दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार अगर कोई अलग बातें बताए तो उस पर गौर मत कीजिए, उसको निगलेक्ट कर दीजिए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है वो लोग क्या बताते हैं, कुछ भी बकते हैं, इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, आज का ये वीडियो सिर्फ ये मेडिकल टेस्ट के लिए बना था। आपके कुछ कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल मेरा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप आगे के वीडियोस कंटिन्यूसली देख सकते हो। बहुत सारे दोस्त होते हैं मेरे जो कमेंट में पूछते हैं सर ये वो, तो मेरी ये गुजारिश है सब लोगों से कि आप पहले वाले वीडियो भी कंटिन्यूसली देखें। मैंने हर वीडियो के पार्ट्स बनाए हैं अलग अलग, 1, 2, अभी 21 कुछ तो पार्ट शुरू है, तो 1 by 1 आप अगर देखा जाए तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस हो जाएगी यहाँ के कंट्री के बारे में, यहाँ के कैसा होता है, क्या होता है, सब पॉइंट्स मैंने कवर कर रखी है। अगर कोई पॉइंट होता है तो मैं नई वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों। चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।